दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक और घोटाले के मामले में ईडी की ओर से समन भेजा गया है। ईडी ने आज जल बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में ईडी ने फरवरी में केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, जल बोर्ड के सदस्य शलभ कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। और इस मामले में ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल को आज पेश होना है। वहीं शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल को नौवां समन जारी कर चुका है। आज ईडी की के सामने आम आदमी पार्टी की ओर से क्या रुख रखा जाता है और क्या कहा जाता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मौके तलाश रही है। ये फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है, इल्जाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यही अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जा रहा है। जब ईडी ने देखा कि एक बेबुनियाद बेसिर पैर का आरोप, मनगढ़ंत आरोप रचकर जब अरविंद जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो सच्चे का बोलबाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला हुआ, अरविंद जी को बेल मिल गई। तो अब दोबारा कैसे फंसाया जाए? बेल आने के दिन सूरज के अस्त होने का भी इंतजार किए बगैर भाजपा ने, केंद्र सरकार ने अपने डिस्पिरेशन को, अपनी आतुरता को, अपनी कुंठा को एक नोटिस ईडी के जरिए भिजवाकर फिर से मैनिफेस्ट कर दिया, फिर से अपने अंदर आगामी चुनावों के परिणामों से जो भय उपजा है भाजपा के अंदर, उस भय को और स्पष्ट कर दिया। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। भास्कर मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हैं और अतुल भाटिया ईडी के दफ्तर में मौजूद है। भास्कर, जल बोर्ड का यह जो पूरा मामला है, इसमें आखिरकार किस तरह से एक के बाद एक चीजें सामने आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर आए? देखिए, जल बोर्ड का घोटाला यह है कि दिल्ली में पानी के मीटर लगाने के लिए एक कंपनी को टेंडर दिया गया। बाद में जांच में पता चला कि उस कंपनी के पास में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी वो था ही नहीं, यानी टेंडर गलत तरीके से एक कंपनी को दिया गया। इस मामले की जाँच पहले एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो कर चुकी है, उसमें सीधा सीधा मामला बन रहा था, उसके बाद इसको सीबीआई के पास भेजा गया और फिर वहां से ईडी ने इस मामले को टेकअप किया। इस मामले में जैसा कि पहले भी आपने बताया कि विभव कुमार जो सेक्रेटरी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के, उनके घर, एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद हैं उनके घर, इनके समेत 12 ठिकानों पर ईडी की रेड हो चुकी है। कई महीनों से जांच पड़ताल चल रही है। इस मामले में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है। हालांकि कल हमने पार्टी से ये जानने की कोशिश की थी कि ये मामला कब का है, क्या सीधे तौर पे होगी कि जब पेश होंगे कि नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल के पास में जल मंत्रालय। और देखिए, सीधे सीधे तौर पर अगर समन को इलीगल कहा जाता है तो पेश होने का सवाल नहीं उठता है। मुझे लगता है आधिकारिक तौर पर कुछ देर में ये बयान आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये मान के चला जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जब तक उनको कोर्ट से ये नहीं कहा जाता कि वो ईडी के सामने पेश हों, तब तक ये मान के चलें कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। क्या लगता है आज क्या नया बहाना होगा अरविंद केजरीवाल का ईडी के सामने पेश ना होने का? देखिए, ये देखना होगा, रिटन में रिप्लाई जरूर किया जाएगा ईडी को और कुछ देर बाद वो जानकारी हम लोगों के पास आ जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से यही सवाल होंगे कि किस हैसियत से उनको बुलाया जा रहा है। देखिए, आरोप ये भी है कि इस पूरे घोटाले में पैसा पार्टी को भी पहुंचा है और पार्टी के चीफ होने के नाते उनको एक तरह से बुलाया गया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या सवाल उठाते हैं अरविंद केजरीवाल, क्या स्पष्टीकरण ईडी से मांगते हैं, उसके बाद ही हम ये बताने की स्थिति में आ पाएंगे। और अतुल हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, अब तो नौ समन, आप सोचिए कि वो तो जो शराब घोटाला है उसमें जा चुका है, पेशी नहीं हुई, अब पहला समन गया जल बोर्ड को लेकर, क्या लगता है कि ईडी तैयार है कि आगे क्या कदम उठाएगी? क्योंकि जिस तरह से भास्कर बता रहे हैं, बहुत मुश्किल ही है कि अरविंद केजरीवाल पेश होंगे।
देखिए अमित, ईडी भी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश होने वाले नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है उसके अंदर नौवां समन जो है वो ईडी दे चुकी है और 21 मार्च को उनको पूछताछ के लिए नौवें समन पर बुलाया गया है। तो अभी जो पहला समन है दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का, ये इसको यहां पर समझना होगा कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में क्यों बुलाया गया है। जिस तरीके से रेड्स विभव की गई थी, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी है अरविंद केजरीवाल का, इसके अलावा एनडी गुप्ता जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के ट्रेजरार है, जो टेंडर दिए गए दिल्ली जल बोर्ड के वो ऐसी कंपनीज को दिए गए जो एलिजिबल ही नहीं थी और उस कंपनी ने आगे टेंडर जो है वो दूसरी कंपनी को दिए। मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर हुई, पहले एसीबी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद उसी जांच को आधार बनाकर जो ईडी है उसने पीएमएलए के तहत केस रजिस्टर किया था, जिसमें एनडी गुप्ता, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और विभव के ठिकानों पर रेड्स की गई थी, कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए थे और एनडी आरोप यह है कि जो जल बोर्ड घोटाला हुआ उसका पैसा भी जो दिल्ली जो आम आदमी पार्टी के फंड्स है जो आम आदमी पार्टी के फंड्स के अंदर पहुंचा, जिसके बाद इस पूरे मामले के अंदर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मान दिया गया, क्योंकि वो आरोप तो कई है लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे कि नहीं। अतुल और भास्कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।